चलो तो बेटा आज हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन के बारे में, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमारी हेडिंग है केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन, हेलोएरीन्स की केमिकल रिएक्शंस। अब देखो सुनो, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन की जब भी हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले यहां पर हम कुछ चीजें पढ़ रहे हैं, जैसे जितने भी एरीन्स होते हैं, जितने भी एरीन्स हैं उन सबकी करेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो हेलो एरीन की करेक्टरिस्टिक रिएक्शन भी क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम एरीन में नॉर्मली किसको कंसिडर करते हैं, बेंजीन को कंसिडर करते हैं, तो हम तो बेंजीन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, द करेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो सबसे पहले तो मैं जो बात लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं करेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसी को हम बोलते हैं बेटा, बोलते हैं ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोले ये बात क्लियर है अपने को। अब यहां पे आपको देखो थोड़ा सा है ना, मैं आपको रेजोनेंस पढ़ाऊंगा ताकि मैं आपको ये बताऊं कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं, और एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से, क्योंकि अगर वही नहीं पता तो फिर हम आगे नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस चैप्टर, यहाँ पर इस लेक्चर में हम लोग जो है वो एराइल हैलाइड यानी हेलोएरिन्स भी कवर करेंगे, एनिलीन भी कवर करेंगे, फिनॉल भी कवर करेंगे, टॉलविन भी कवर करेंगे, बेंजोइक एसिड भी कवर करेंगे। तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स आप आगे चल के पढ़ने वाले हो ना, वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले आपको सिखाता हूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती कैसे, पहले आपको वो सिखाता हूँ, देन फिर आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप दिखाऊंगा, है ना। तो देखो एक एग्जांपल लिया मैंने, बोला कि मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, एक बेंजीन रिंग है, दिस इज बेंजीन, दिख रहा है बेंजीन। इसके पास अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को, है ना। तो यहाँ पे रिएजेंट जो है ना, मैंने ई एन यू, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग, है ना, दोनों लिए। अब कैसे होगी रिएक्शन, क्या बनेगा प्रोडक्ट, उसको देखते हैं। तो मैकेनिज्म वाइज देखते हैं बेटा, मैकेनिज्म वाइज देखते हैं। सबसे पहले आपके पास आया बेंजीन रिंग, इसके पास आया आपका ई एन यू, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियर, यानी कोई रिएजेंट है। नॉर्मली रिएजेंट में एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है। जैसे आपने देखा एस सी एल, तो एस सी एल में क्या होगा, एच पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव, पता चल रहा है, एच सी एन, तो भी एच पॉजिटिव और सी एन साइनाइड नेगेटिव, के सी एन, के पॉजिटिव सी एन नेगेटिव, है ना। तो एक इलेक्ट्रोफाइल होता है और एक हमेशा न्यूक्लियोफाइल होता है। अब होगा क्या, सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां आया नेगेटिव और यहां आया पॉजिटिव। अब देखो कौन किसकी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन है ना, तो आप न्यूक्लियोफाइल को मत जोड़ देना पॉजिटिव से, किसको जोड़ोगे, इलेक्ट्रोफाइल को नेगेटिव से जोड़ोगे। और आपका स्ट्रक्चर क्या बना बेटा, देखो यहां पर जुड़ गया इलेक्ट्रोफाइल, यहां पे पॉजिटिव चार्ज और आपका बॉन्ड ही है। अब होता क्या है, ये जो पार्ट है इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूवेबल है, मूवेबल कैसे, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव, अगर डबल यहां आ गया तो पॉजिटिव कहां आ जाएगा, यहाँ डबल यहां आ गया तो पॉजिटिव कहां आ जाएगा, यहाँ। दैट इज मैं तीनों स्ट्रक्चर इसके बना रहा हूं, एक बार यहाँ डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लगा हुआ है, डबल यहाँ आया तो यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे बॉन्ड, और कैसा स्ट्रक्चर बन सकता है, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आया, यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रोफाइल लगा ही हुआ था, यहाँ बॉन्ड,
यानी अगर कुल मिला के मैं तीनों स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो ये तीनों स्ट्रक्चर क्या ऐसे बन सकते हैं, देखो हम रेजोनेंस में ऐसे ही बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ज जो कहां से कहां मूव कर रहा है, जो यहां से यहां तक जो कंप्लीट रेजोनेंस नहीं हो रही है, इसी को बोलते हैं एरेनियम रिंग या एरेनियम आयन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, एरेनियम कैटायन भी इसको बोल सकते हैं ना, कि आपको बना के पूछ सकता है कि कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट है इसके लिए, ठीक है। अब क्या होगा, इसी को पकड़ते हैं, है ना, देखो यहां पर अब न्यूक्लियोफाइल आया, देखो क्या इसके पास तीन बॉन्ड है तो एक कौन होगा, तो क्या न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन को उड़ा के ले जाएगा, तो ये बॉन्ड क्या यहां पे आ जाएगा और स्ट्रक्चर क्या बना, आप तीनों में से किसी के भी साथ करा सकते हो, मैं इसके साथ करा दे रहा हूं, आप चाहो तो इसके साथ भी करा दो, है ना, और स्ट्रक्चर क्या बना, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड और इलेक्ट्रोफाइल, तो देखो क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, दैट मीन्स आपका प्रोडक्ट क्या बना है, सिर्फ एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल हट गया। अब यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये एच पॉजिटिव की फॉर्म में तो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल हो गया, बोलो समझ आया, क्लियर है। नाउ एक बार इसको नोट करो, फिर मैं आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बताता हूँ ना, करो बेटा एक बार नोट। चलो देखो अब आगे बढ़ रहे हैं बेटा, ये तो आप लोगों ने नोट कर लिया, अब हम लोग कुछ चीजें पढ़ रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, जिसको आप एक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हो, है ना, तो उसको समझाता हूं आपको। देखो फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और एक्टिवेटिंग, और एक्टिवेटिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब सुनो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ऑर्थो पैरा पोजीशंस क्या है, तभी तो आगे हम समझ पाएंगे। देखो अगर आपके पास एक बेंजीन रिंग है, तो ये वाली पोजीशन कौन सी होगी, ऑर्थो, ये वाली मेटा, ये वाली पैरा, ये वाली मेटा और ये वाली ऑर्थो, ऐसे ही होगा क्या, ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बेंजीन रिंग में सारे के सारे कार्बन सेम है, ऑर्थो पैरा पोजीशन नहीं है, यानी इसका मतलब एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग में ऑर्थो पैरा आप जब ही बताओगे जब कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है। जैसे अब अगर मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक रिंग है और यहां पे एक एलिमेंट जुड़ा है एक्स, ठीक है, एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो साइड वाले होंगे ना वो होंगे ऑर्थो, ये भी क्या है ऑर्थो, ये क्या है मेटा, और ये भी क्या होगा मेटा, और ये वाला पार्ट क्या होगा पैरा। अगर इसी को और चेंज करके, मतलब बस याद रखना जहां पे भी आपका, जैसे एक एग्जांपल देखो यहां ले लो, एक और एग्जांपल, मैं एक स्ट्रक्चर ऐसे बना रहा हूं Br, ब्रोमीन जोड़ दिया, अब बोलो ऑर्थो पोजीशन कौन सी है, ये वाली या ये वाली, ये वाली है ना, तो क्यों, क्योंकि इसके एडजेसेंट में, जो एडजेसेंट में ना बेटा वो होती है ऑर्थो और ऑर्थो, ये वाली मेटा और ये वाली मेटा और ये वाली पैरा। क्या आप ऑर्थो और पैरा और मेटा पोजीशन समझ गए। अब सुनो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से ग्रुप होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जिनके पास या तो नेगेटिव चार्ज हो या फिर लोन पेयर हो। दैट मीन्स अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं नोट डाल के एक पॉइंट लिखता हूं, ग्रुप्स विच आर या विच हैविंग लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज
है ना, ग्रुप्स विच हैविंग लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज व्हेन डायरेक्टली अटेस्ट टू, डायरेक्टली अटेस्ट टू अ एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग. यहां पे हम मेनली किसकी बात कर रहे हैं, बेंजीन की, है ना. देन दे बिहेव्स, दे बिहेव्स एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. अच्छा सुनो, ये तो पता पड़ गया ऑर्थो पैरा, एक्टिवेटिंग क्यों बोला गया उसको समझो, इनको एक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों बोला गया. अच्छा पहले इनके एग्जाम्पल बता दूं एक बात. देखो जैसे मैंने एग्जाम्पल बोला NH2 ग्रुप, तो देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ना. मैंने बोला O नेगेटिव ग्रुप, देखो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है. मैंने बोला OH ग्रुप, OH ग्रुप में भी क्या होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है. मैंने बोला NH सी डबल बॉन्ड O ग्रुप, सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप, तो देखो नाइट्रोजन जुड़ रहा है ना डायरेक्टली, ये वाला पार्ट का मतलब है ये जुड़ रहा है ना. और क्या हो सकते हैं, मैंने बोल दिया SH ग्रुप, तो देखो सल्फर पे लोन पेयर है. और मैंने बोल दिया बेटा ये बोल देता हूं सी सी एस थ्री, सी एस थ्री और सी एस थ्री, ये हो गया. या मैंने बोल दिया सी एच और सी एस थ्री और सी एस थ्री, या मैंने बोल दिया सी एच टू सी एस थ्री, या मैंने बोल दिया सी एस थ्री. ये सारे ग्रुप कैसे, अच्छा देखो इनके पास तो लोन पेयर नहीं है लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. दैट मीन्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कैसे ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं. कैसे ग्रुप है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. यानी अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं. अब ये एक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों है, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ग्रुप्स इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब नेगेटिव चार्ज ऑन ऑर्थो एंड पैरा, एंड पैरा पोजिशन ऑफ बेंजीन या ऑफ एरोमेटिक पोजिशन इन एरोमेटिक रिंग. यानी ये क्या करते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं कहां पर, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, एरोमेटिक रिंग. ठीक है, अब एक चीज सुनो, मेरे पास एक एग्जांपल से आपको बताता हूं. देखो मेरे पास एक कंपाउंड है, मैंने NH2 ले लिया. चलो NH2 नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर के होने की वजह से ऑर्थो पोजीशन पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, पैरा पे भी नेगेटिव और ऑर्थो पे भी. इसकी वजह से इन तीनों पे नेगेटिव आया ना. अच्छा रिंग की जरा बताओ, एरोमेटिक रिंग की करेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यानी अटैक कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल कैसा है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है. यार एक बात बताओ, जितना आप नेगेटिव चार्ज बढ़ाओगे क्या उतना पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज ज्यादा अटैक करेगी. इसी वजह से इलेक्ट्रोफाइल बहुत क्विकली अटैक करते हैं और रिंग क्या है, एक्टिवेट हो गई है. एक्टिवेट करने की वजह से ही तो जो है इलेक्ट्रोफाइल ने क्विकली अटैक किया. यानी इन्होंने क्या किया, रिंग को एक्टिवेट किया. कैसे एक्टिवेट किया, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन बढ़ा करके. तो ऑर्थो पैरा पोजिशन नेगेटिव चार्ज को बढ़ा के रिंग को एक्टिवेट कर दिया. बोले ये बात समझिए, क्या आज के बाद कभी भी कोई भी ऐसा ग्रुप जो एरोमेटिक रिंग से जुड़ा है, अगर उसका लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, तो क्या आप समझ जाओगे फटाफट कि हाँ भाई वो कैसे ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और एक्टिवेटिंग ग्रुप. बोलो क्लियर है. चलो देखो सेकेंड, सेकेंड आता है आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, या फिर इसी को बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. यानी ये क्या कर रहे हैं, ग्रुप डीएक्टिवेट करते हैं, क्या करते हैं,
डीएक्टिवेट कर देते हैं। किसको डीएक्टिवेट करते हैं? रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं, है ना। अब रिंग को कैसे डीएक्टिवेट करेंगे, तो ऑर्थो पैरा पोजिशन तो पता ही है। तो यहां पे एक पॉइंट लिखता हूं, सबसे पहले ग्रुप्स विच हैविंग ये इनकी पहचान है, ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये जो मैंने नोट में लिखा है सेम यहां पे लिख रहा हूं, इनकी पहचान है, इनको देख के आप पहचान सकते हो। तो ग्रुप विच हैविंग पाई बॉन्ड्स या फिर पॉजिटिव चार्ज व्हेन डायरेक्टली अटैच्ड टू एन एरोमेटिक रिंग बिहेव्स एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो किसकी तरह बिहेव करते हैं बेटा? मेटा डायरेक्टिंग। क्यों? क्योंकि देखो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। कैसे ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है ना, जिसकी वजह से ड्यू टू विच पॉजिटिव चार्ज जनरेट ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। अरे मेटाडायरेक्टिंग ग्रुप में ऑर्थो पैरा पोजिशन कैसे आ गए? तो देखो कैसे आई, एग्जाम्पल लिख दूं पहले फिर समझाऊं। जैसे एग्जाम्पल में आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल NO2 ग्रुप। अब NO2 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं होता है भाई, याद रखना सबसे हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। और कौन हो गया? फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, है ना, इन्हें तो छोड़ दो। चलो NO2 के बाद आप लिख लो सी डबल बॉन्ड OH। देखो डबल बॉन्ड आ रहा है ना, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ आर, सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर और सी डबल बॉन्ड ओ NH2। देखो यहाँ पे NH सी डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ NH2 है, यहाँ पे कार्बन डायरेक्टली जुड़ रहा है, जबकि यहाँ पे कौन डायरेक्टली जुड़ रहा था? नाइट्रोजन, दिख रहा है, और O पॉजिटिव एंड सो ऑन, इस तरह के ग्रुप से, ठीक है। अब होगा क्या, देखो एग्जाम्पल से बताता हूं। आपके पास एरोमेटिक रिंग थी, इसके पास NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। NO2 ग्रुप कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे रेडी बैठा है, इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। अब NO2 है तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे क्या कर देगा? पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देगा। अब बताओ पॉजिटिव अटैक करेगा? कभी नहीं करेगा। तो अब इलेक्ट्रोफाइल के पास ऑप्शन क्या बचा? कि वो बस कहां पे आके जुड़ेगा? मेटा पे, कि मेटा इज मोर नेगेटिव देन ऑर्थो एंड पैरा, भले ही कोई चार्ज नहीं है लेकिन इनके पास तो पॉजिटिव है ना, समझ पा रहे हो? तो इस वजह से NO2 ग्रुप कैसा है? अगर आप यहां पे जोड़ोगे तो NO2 इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो NO2 को यहां पे देखो जुड़ गया ना, पॉजिटिव चार्ज हटा देते हैं, देखो दिख रहा है। सेम यहां पे जब जोड़ रहे थे तब कैसे था? यहां पे भी जोड़ रहे थे NH2, या तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा पैरा पे या फिर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा ऑर्थो पर, वेरी गुड, NH2 और ऑर्थो इलेक्ट्रोफाइल, बोलो पता चला। अब देखो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कैसे हुआ, ये तो एक्टिवेटिंग ग्रुप था क्योंकि ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव पड़ा, जिससे रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ गई, लेकिन इसने क्या किया राक्षस ने? पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दिया ऑर्थो पैरा पे। भाई पॉजिटिव बढ़ा दिया तो रिपल्शन क्या हो गया? ज्यादा हो गया। रिपल्शन ज्यादा हो गया तो क्या इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक ही नहीं करेगा, जिसकी वजह से रिंग कैसी हो गई? डीएक्टिवेट हो गई। रिएक्टिविटी क्या हो गई? कम हो गई। बोलो समझ आया? एक और रह गया, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो पहले इसको नोट करो फिर हम उसको देखते हैं ना, करो बेटा जरा नोट। अब आगे देखो हम लोग बात कर रहे हैं बेटा लास्ट ग्रुप जो है हमारा, थर्ड ग्रुप जो है हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, है ना। तो द थर्ड ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा
डायरेक्टिंग पैरा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. अब देखो सुनो, बहुत ध्यान समझो, कैसा ग्रुप है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, लेकिन है कैसा? डीएक्टिवेटिंग. कैसा है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ना. तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, लेकिन बेटा आपकी बार कैसा है? डीएक्टिवेटिंग. इसका मतलब क्या है? ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज तो बढ़ा रहा है, लेकिन डीएक्टिवेट कर दे रहा है इनको. अच्छा, ऐसे ग्रुप कौन से होते हैं? ऑल हेलोजन्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. तो थर्ड केस किसके लिए? हेलोजन्स के लिए. और हम लोग हेलोएरिन नहीं पढ़ रहे, तो यही ग्रुप यहां पे लग रहा है. तो हम क्या बोल सकते हैं? ऑल हेलोजन्स आर, या हेलोजन्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स. क्यों होते हैं भाई, क्यों होते हैं? सुनो, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, अब देखो यहां पे एरोमेटिक रिंग है, दैट मींस यहां पे क्या रहा? रेजोनेंस आ रहा है. अब जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं वो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं. कैसा इफेक्ट शो करते हैं? प्लस आर, क्योंकि वो डोनेट कर रहे हैं. और जो ग्रुप रिजोनेंस, देखो बेंजीन रिंग, फिर से कह रहा हूं दोबारा सुन लो, बेंजीन रिंग में रिजोनेंस हो रहा है. तो जब ये लोन पेयर दे रहा है, तो इसके लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, इसलिए वो ग्रुप जो लोन पेयर दे रहे हैं बेंजीन रिंग में, वो प्लस आर इफेक्ट शो कर रहे हैं. और जो लोन पेयर मतलब रिंग में इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहे हैं, वो कैसे इफेक्ट शो करते हैं? माइनस आर इफेक्ट, माइनस आर है ना. अब देखो, हेलोजन्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स बिकॉज इन केस ऑफ हेलोजन्स माइनस आई इफेक्ट इज ग्रेटर देन प्लस एम इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट. एम मत लिखो अभी, आर लिखो. ग्रेटर देन प्लस आर इफेक्ट. अब माइनस आई इफेक्ट का क्या मतलब होता है? इंडक्टिव इफेक्ट है. अब हेलोजन्स क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से भी चलेंगे. तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या बोलता है? माइनस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना. तो माइनस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग हेलोजन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, लेकिन प्लस आर के अकॉर्डिंग लोन पेयर को भी डोनेट करेंगे. लेकिन माइनस आई क्या करता है? डोमिनेट कर जाता है प्लस आर पे, जिसकी वजह से क्या होते हैं? डीएक्टिवेटिंग हो जाते हैं. दैट मीन्स अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, देखो हेलोजन ले लिया, सीएल ले लेते हैं, क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर है बेटा? तीन लोन पेयर. तो क्लोरीन रिजोनेंस में तो पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है कहां कहां पर? ऑर्थो और पैरा पे. लेकिन साथ साथ क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा. इलेक्ट्रॉन को खींचने की वजह से ये नेगेटिव चार्ज ना की बराबर हो जाएगा, यानी लगभग खत्म हो जाएगा. ठीक है, किसकी वजह से? उसके माइनस आई इफेक्ट, उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से. बोलो क्लियर है? ठीक है, इसलिए हेलोजन्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. अब कुछ क्वेश्चंस खेलते हैं. ठीक है, देखो मेरा क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग. देखो मैं लिख रहा हूं, मेरा क्वेश्चन है, राइट द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, है ना. यहां लिखते हैं, क्वेश्चन है बेटा, राइट द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है ना, ऑफ द फॉलोइंग. अब फर्स्ट मैं लिख रहा हूं, देखो यह है ए, यह है बी, और यह है सी. बोलो रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर हम बात करें, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? रिएक्टिव का मतलब वो जो सबसे ज्यादा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग, और सॉरी सबसे ज्यादा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग. तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? कौन सा? बी वाला, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है भाई,
एनओ टू पे लोन पेयर नहीं होते, पहले ही बताया, तो सबसे ज्यादा तो हो गया बी, देन ए एंड देन सी, वेरी गुड। एक और दूं, चलो एक और देता हूं। देखो अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखते जाता हूं, आप लोग करते जाओ, ठीक है, ताकि हमें वहां से अब पता चले, अपना टाइम भी बचे और अपन से जल्दी करते जाएंगे, तो आप बस अरेंज करते जाना, है ना। देखो मैं लिख रहा हूं बेटा, जैसे सेकंड क्वेश्चन, बी ये एफ है बेटा, फ्लोरीन, सी और डी, इतना काफी है क्या, एक और दे दूं? चलो इतना काफी है ना, तो एक मैंने कर दिया, ये चार बेटा आप लोग करो, जरा दिमाग लगाओ, आओ तो देखते हैं बेटा। देखो सुनो, सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन देखो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अरे बोलो है कि नहीं, यहां पे भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अच्छा फ्लोरीन तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है लेकिन डीएक्टिवेटिंग है ना, तो देखो सुनो, कहां पर ज्यादा एक्टिवेटिंग होगा, जहां जितना ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा उतनी रिएक्टिविटी बढ़ाएगा। तो देखो NH2 के पूरे लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन यहां पर देखो, यहां पर जो NH है उसके लोन पेयर यहां पर भी पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन यहां भी देखो लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस है, यानी लोन पेयर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, क्या कंप्लीट डोनेट कर पाएंगे, नहीं। दैट मींस ए और बी में तो कौन ज्यादा रिएक्टिव, ए। अच्छा बी और सी में, भाई बी एक्टिवेटिंग ग्रुप है लेकिन सी कैसा है, डी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो बी और सी में कौन ज्यादा होगा, बी ज्यादा होगा। अब सी और डी में देखो, फ्लोरीन एटलीस्ट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन NH3 पॉजिटिव आ गया ना, ये तो एकदम हार्डकोर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है भाई, है ना, इसको बोलते हैं एनिलिनियम आयन, इसका नाम होता है एनिलिनियम, एनिलिनियम आयन, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ऑर्डर क्या हुआ, ए बी सी डी। आओ थर्ड में आओ, NH2 के पास एक लोन पेयर है भाई, ऑक्सीजन के पास तो दो लोन पेयर होते हैं, तो बोलो कौन ज्यादा डोनेट करेगा, OH? नहीं, तब भी ज्यादा डोनेट करता है NH2, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन से, ऐसा नहीं है कि किसी के पास पैसा ज्यादा है तो वो दानी ही हो सकता है कि जेब में तो 1000 रुपए पड़े लेकिन दान 10 रुपए ही कर रहा हो, वहीं दूसरी जगह एक ऐसा इंसान इसकी जेब में 100 रुपए
और 50 रुपए दान कर रहे हैं, है ना। तो ये वो है जिसका 1000 रुपए लेकिन 10 ही दान कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है तो इसलिए ये ज्यादा होगा। यही याद रखना है भाई, यही याद रखना है ना। अच्छा इन दोनों में तो ये हो गई यार, ये तो ये कैसा ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो दैट मीन्स ऑर्डर क्या हुआ, एबीसीडी। नाउ यहां आ जाओ, देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, यहां पे भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर। अब बोलो इन दोनों में कौन ज्यादा होगा, सेकंड वाला ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सी एस थ्री जुड़ा हुआ है और सी एस थ्री इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहां पे सी एस थ्री जो है ना वो इसके लोन पेयर को हिंडर करता है, जिसकी वजह से प्रॉपर डोनेट नहीं हो पाते और अब भी ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। यही तो याद रखना है, यही याद रखना है ना, यही हमें और आगे बढ़ाएगा। इन दोनों में ये है और ये है, देखो। नाउ द लास्ट वन, ओ एच सी एस थ्री और सी एल, बोलो ज्यादा रिएक्टिव कौन? ऑब्वियस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, एक्टिवेटिंग है। सी एस थ्री के पास लोन पेयर नहीं है लेकिन एक्टिवेटिंग है ना, दैट मीन्स ओएच तो ज्यादा होगा देन सी एस थ्री। अच्छा देखो क्लोरीन के पास भाई तीन तीन लोन पेयर है लेकिन है तो कैसा, डीएक्टिवेटिंग है ना। पैसा तो है लेकिन देगा नहीं, छीन लेगा, समझ रहे हो। तो ऑप्शन क्या हुआ, ए बी एंड सी, बोलो है आसान। तो आज हम लोगों ने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स वगैरह पढ़े। कल से हम लोग सारी की सारी इसकी प्रॉपर्टीज को, यानी हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडनक्राफ्ट रिएक्शन, कल ये सारी चीजें पढ़ेंगे अपन लोग, है ना। तो आज इतना ही करते हैं, आप लोग एक बार नोट कर लो।